चीन महज 4 दिन में चांद पर पहुंचा था। अमेरिका रूस को भी बस 4 ही दिन लगे थे, लेकिन चंद्रयान 3 यानी भारत को चांद पर पहुंचने में 41 दिन का समय लगा। आपको यह सोचकर आश्चर्य होगा कि भारत को चांद पर पहुंचने में आखिर इतना समय क्यों लगा, जबकि अमेरिका रूस जैसे देशों ने 50 साल पहले चांद की दूरी महज 4 दिनों में ही पूरी कर ली थी। 20 जुलाई 1969 में अमेरिका ने अपना अपोलो 11 मिशन रवाना किया। यह पहला मौका था जब इंसान चांद पर उतरा था। इस मिशन को चांद पर पहुंचने में 4 दिन 6 घंटे का समय लगा था, तो भारत को 41 दिन क्यों लगे? अब आपको इसके पीछे की वजह बताते हैं। 2 चंद्रयान लॉन्च करने के बाद भारत का यह तीसरा चंद्रयान 14 जुलाई को दोपहर 2:30 पर चंद्रयान 3 मिशन लॉन्च किया गया। चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग में सफलता मिली तो अमेरिका, रूस और चीन के बाद भारत ऐसा करने वाला चौथा देश बन गया। चंद्रयान 3 अपने लॉन्च के लगभग 1 महीने बाद चंद्रमा की कक्षा में पहुंच गया। इसके लैंडर विक्रम और रोवर की 23 अगस्त को चंद्रमा पर पहुंचने यानी चंद्रयान 3 को चांद पर पहुंचने में 1 महीने से भी ज़्यादा का समय लगा। लेकिन क्यों? इसका जवाब रॉकेट की डिजाइनिंग, इस पर खर्च होने वाले ईंधन और चंद्रयान की स्पीड में छिपा है। स्पेस में लंबी दूरी तय करने के लिए यान को ले जा रहे रॉकेट की तेज स्पीड और सीधे प्रक्षेपण पथ की जरूरत होती। अपोलो 11 के लॉन्चिंग के लिए नासा ने सैटर्न वी का इस्तेमाल किया था, जो सुपर हैवी लिफ्ट लॉन्चर था। यह प्रति घंटा 39,000 किलोमीटर की यात्रा कर सकता है। इसके अलावा इसकी 43 टन बाहर वाहक क्षमता थी। चांद की 384,000 किलोमीटर की दूरी को तय करने के लिए नासा के रॉकेट ने 4 दिन का वक्त लिया था। हालांकि इसमें आर्थिक पहलू भी है। उस दौर में नासा ने $185 मिलियन की रकम मिशन पर खर्च की थी। इसके उलट भारत ने इतने ताकतवर रॉकेट का इस्तेमाल ही नहीं किया और नासा के बजट के अनुरूप बहुत कम बजट यानी लगभग 600 करोड़ रुपए में तैयार किया है। शक्तिशाली रॉकेट GSLV-LVM-3 ने चंद्रयान 3 को पृथ्वी की 170 किलोमीटर 36,500 किलोमीटर की कक्षा में स्थापित किया। चंद्रयान 3 का वजन 900 किलोग्राम है, इसलिए कक्षा को धीरे धीरे बढ़ाना जरूरी था। इसकी वजह यह है कि पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी GSLV-LVM-3 की क्षमता चंद्रयान 3 की वजन की तुलना में 10 गुना ज़्यादा है। इसरो के पास ऐसे मिशन यानी कक्षा को धीरे धीरे बढ़ाने में विशेषज्ञता के साथ साथ अनुभव भी है। मंगल मिशन चंद्रयान 1, चंद्रयान 2 में भी इसका इस्तेमाल किया। चांद पर पहुंचने में रॉकेट और ईंधन का बहुत महत्व होता है। जितना कम दिनों में चांद पर पहुंचना चाहते हैं उतना ज़्यादा ईंधन लगता है। भारत ने पिछले 2 चंद्रयान मिशन के बाद अब चंद्रयान 3 में कई तरह के बदलाव भी किए थे। चंद्रयान 3 में ऑर्बिटर मौजूद नहीं था, क्योंकि चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर अभी भी चंद्रमा की ऑर्बिट में ठीक से काम कर रहा है। चंद्रयान 3 में ऑर्बिटर की जगह प्रोपल्शन मॉड्यूल लगाया गया। यह मॉड्यूल नेविगेशन में मदद किया। चंद्रयान 3 के लैंडर को ज़्यादा मजबूत बनाया गया, जिसमें कई फॉल बैक वैकल्पिक सिस्टम और सेंसर का उपयोग किया गया है। चंद्रयान 2 लैंडर की विफलता का कारण बनने वाली सॉफ्टवेयर समस्या को ठीक कर लिया गया। लैंडर में अब 5 मोटर की जगह 4 मोटर लगाई गई। चंद्रयान 3 की जांच के लिए सैकड़ों परीक्षण भी किए गए थे। तो आप समझ गए होंगे कि चंद्रयान 3 को 41 दिन चांद पर पहुंचने में क्यों लगे, और इसके विपरीत अमेरिका, रूस,
चार दिन में ही चांद पर पहुंच गए थे। इस वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही वीडियो के बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि अगला जब भी हम वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। जय हिंद।